मैं बना रही हूँ बटर चिकन। सॉरी मैंने शुरू से आपको नहीं दिखाया क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मुझे वीडियो बनानी थी। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल लिया है, फिर तेल में मोटी मोटी प्याज काट के डाल दिया और इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये तेल की शक्ल पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने पकौड़ों का ही तेल लिया है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ज़्यादा तेल वेस्ट मत करो, वैसे मोदी हमारे पैसे नहीं देंगे, मोदी जी आई मीन। अब इसे सब थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। साइड में मैंने चावल बनने रख दिए हैं जी, हम बटर चिकन से चावल खाते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर मैंने बिल्कुल मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि इसे हमें बाद में पीस नहीं है, तो फालतू में मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ये मेरा टमाटर जब अच्छे से गल जाएगा, ठीक है, फिर तो हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है, इसमें मैंने डाला है दही, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी और थोड़ा सा जरे का रंग। इसे 1 घंटे मैरिनेट करके रखना है। इसे मैं बाद में बताऊँगी इसका क्या करना है। ये टमाटर देखिए, अब ये मैं सोचना मैंने इतने बड़े बड़े क्यों काटे हैं। आप इसमें चाहे पूरे काट के डाल दो या 1 के 2 करके डाल दो, इसे हमें पीसना है। मेहनत क्यों करनी है, खाने पे मेहनत अपनी करो जो करनी है ना। अब देखो ये पक पक के पागल हो जाएंगे ना जब हम इसे पीस लेंगे, समझ आया। ये देखो अच्छे से ये चटनी हो जानी चाहिए, फिर उसे हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और पीस लेंगे। ये चावल स्ट्रेन करूँगी मैं, ठीक है। ये देखिए कैसे ये पकते पकते कम हो गया है। आप इसमें इस टाइम काजू भी डाल सकते हो, काजू मेरे पास रखे थे लेकिन हमने शाही पनीर में यूज़ कर लिया तो अब ख़त्म हो गए हैं। अब इसे थोड़ा देर और पका के जब ये कम हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए जो मैंने आपको मैरिनेशन दिखाया था, ये शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। राइस यहाँ रेडी हो गए हैं एकदम बढ़िया। ये चटनी बनकर तैयार हो गई है और ठंडी हो गई है, इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, देन उसके बाद इसे हम अब पीस लेंगे। ये देखिए ये मैंने कढ़ाई वही ली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा एंड इलायची, ठीक है। ये अल्दा भी तेल तो ठंडा ही हो है, गर्म नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं वो तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फौरन डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, उसको अच्छे से भून लेंगे। कोशिश करिएगा ये जो साइड में मसाला लग रहा है ये सब इसमें आ जाए, ठीक है। अच्छे से भूनो, अच्छे से भूनो, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और हल्दी, ठीक है, अब इसको हम भून लेंगे एकदम बढ़िया। ये जो हमारा टमाटर जो हमने भून के रखा था, टमाटर और प्याज, ये पिस गया है, ठीक है। अब हम जितने भी हमारे पास पिसा हुआ है टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए हमारा बटर चिकन का मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें एक खलाटा आएगा, बॉईल जब हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमारा चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी है, ऑयल समेत इसमें डाल देंगे, वरना ये ऑयल का क्या करोगे, है ना। ये हमारा बटर चिकन रेडी है। अब जो काम रह गया है वो मेरा फेवरेट काम है, गार्निश। ये हमने डाली है क्रीम, बहुत सारी क्रीम डाल दीजिए, थोड़ी सी बचा लीजिए ताकि जब हम डिश में निकालें तो थोड़ा सजा दें ऊपर से, है ना। ये हमारा बटर चिकन तैयार है बिना बटर के। अगर आप अमीर हैं, आपको मोदी जी पैसे दे दें, तो आप बटर में भी बना सकते हैं, वरना आजकल रमज़ान चल रहे हैं, पकौड़े के तेल से भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। ये हमने डाल दी है ऊपर से कस्तूरी मेथी। टाटा।